बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 ओरल असेसमेंट इंग्लिश ग्रेड वन की यह असेसमेंट आपके सामने मौजूद है। यह इंग्लिश की ओरल असेसमेंट है जो कि क्लास वन से ली जाएगी। सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर सेशन नंबर वन को देख लेते हैं। सेशन नंबर वन के अंदर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट स्टार्ट विद आई, कि आई से कौन सा ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है। सेकेंड का ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है। आपको मैं जैसे इनकी आंसर बताता जाऊंगा, ज्यादा मैं इसको डिटेल के साथ नहीं जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर थ्री का जो ऑप्शन नंबर बी है वो दुरुस्त जवाब है। फोर का ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है। फाइव का ऑप्शन नंबर जो सी है वो दुरुस्त जवाब है। ये था मेरे पास सेशन नंबर वन। नेक्स्ट सेशन नंबर टू स्टार्ट हो जाता है, उसका ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट वाले का, सेकेंड का ऑप्शन नंबर बी और थर्ड का भी ऑप्शन बी ही दुरुस्त जवाब है। फोर का ऑप्शन ए और फाइव का ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट सेशन नंबर थ्री बनाया गया है जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर वन और टू का ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है। थ्री फोर और फाइव तीनों का जो ऑप्शन नंबर ए है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट मेरे पास सेशन नंबर फोर आ जाता है, कॉलम मिलाना आपने, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने कॉलम कैसे मिलाने हैं। ये आपके लिए मैंने साइज छोटा किया है, आप लोग देख लें कि इसको कॉलम को कैसे मिलाया गया है और आप लोग उस लिहाज को तैयार कर लीजिए। ओरल असेसमेंट है क्लास वन के लिए इंग्लिश की। नेक्स्ट सेशन नंबर फोर आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है एफ ये दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट का बी ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे बर्ड्स को बर्ड्स के साथ और शेप को शेप के साथ मिला दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फोर में एग वाला हिस्सा जो है वो दुरुस्त जवाब है। फाइव है क्वेश्चन नंबर, वहाँ पे कहा जा रहा है आस्क नेम ऑफ एनी वन थिंग शोन एंड टू मेक वन सेंटेंस ऑफ इट। ये आपके सामने तीन पिक्चर दिखाई गई है, आपने इनमें से किसी एक का नाम बताना है, यानी कि वो नाम बताने के बाद आपने उसका सेंटेंस भी बनाना है। ये बकेट आ जाएगा, ये इरेज और ये कैप और सब ने इनका सेंटेंस लिखा हुआ है। ये थे मेरे पास ओरल असेसमेंट इंग्लिश ग्रेड वन के लिए, स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 ग्रेड वन ओरल असेसमेंट। उर्दू की असेसमेंट आपके सामने आ चुकी हुई है। ये उर्दू की असेसमेंट में सेशन नंबर वन का जो है क्वेश्चन है बारी हरूफ वाली आवाज़ की तस्वीर बताए, तो इसका आंसर बी है बालू। और नेक्स्ट आपने बताना है कि ये मिलाए तो क्या बनता है, ये मिलाए तो लड़की बनती है। नेक्स्ट जी लफ शोर के हम आवाज़ वाली तस्वीर है, शोर और मोर ये बन जाता है। उसके बाद सवाल नंबर चार है शीन की आधी शक्ल, ये शीन की आधी शक्ल लिखी हुई है। ये किरण का घर है, इसमें फूला सेन है, फूलों की क्यारी है, तो ये इस तस्वीर को शो करना जा रहा है। सेशन नंबर टू है, आपने क्या करना है मुनासिब लफ्ज़ लगा कर खाली जगह पूर करनी है। लफ्ज़ तोते के अरकान का दुरुस्त तौर है, तो इसका जो दुरुस्त तौर है वो ये है तेवा तो ते छोटी होती है तोते। और नेक्स्ट है जी तस्वीर में है ये क्या लिखी हुई है, ये गरी है, तो यहाँ पे गरी को प्रॉपर्टी कर दे रहे हैं। मुझे पसंद है, क्या पसंद है, खेलना पसंद है। नून गुन्ना वाला लफज है, ये नून गुन्ना वाला लफज ये आ जाएगा जी। और तस्वीर में है ये तितली दी हुई है। नेक्स्ट सेशन नंबर थ्री आ जाएगा, आपने कॉलम मिलाने हैं, तो ये जो किताब है आपने किताब को किताब के साथ मिला देना है, अस्सलाम वालेकुम को वालेकुम सलाम के साथ। तो ये देखे कतार बनाए, ये सारी स्पैरो है, यहाँ पे ये फूल है, ये आपने इसे कॉलम मिला देने थे। नेक्स्ट सेशन नंबर फोर है दूसरे अल्फाज के निशानदेही करनी है, तो ये कहा जा रहा है कि ये सख्ता की अलामत है, ये गलत है जी। इंसो में नो ऐसे लिखते हैं, ये दुरुस्त है। तस्वीर में पंखा है, तो ये भी दुरुस्त है। साफ आसमान है, हर तरफ सब्जा है, दरख्त और फूल खिले हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो ये ऐसा ही है, ये बच्चे सड़क पर खेल रहे हैं, बच्चे सड़क पर नहीं खेल रहे, ये आ जाएगा गलत। नेक्स्ट आपको तस्वीर दिखा दी गई है, दस इंसिया कहा जा रहा है, तस्वीर में दस गिनती है, गिनती दस तक है, तो ये आपके पास दुरुस्त आ जाएगा। सेशन फाइव है जी मुतजज़ा सवाल के मुख्तलिफ अपने जवाब देने हैं। कल मैं और अबू जान सब्जी मंडी गए, लोग सब्जियां और फल खरीद रहे थे, हमने भी मुख्तलिफ सब्जियों की कीमत पूछी, आलू सस्ते और भिंडी बहुत महंगी थी। ये आपको सुनाया जाएगा और आपसे सवाल पूछे जाएंगे, फेरी वाला सब्जी कहाँ से लेकर आता है, तो वो मंडी से लाता है। आप किन कामों में अपने वालदेन की मदद करते हैं, हम सब्जी लाने में और घर में कोई छोटा मोटा काम जैसे कि सफाई करने में हम उनकी मदद कर सकते हैं। आपने ऐसे इनके आंसर अपने लफ्जों में बता देने हैं। तस्वीर के मुताबिक एक एक जुमला बताएं। ये अंगूरा, मुझे अंगूर पसंद है, आम आम फलों का बादशाह है, एप्पल एप्पल सेहत के लिए बेहतरीन फ्रूट है। अपने स्कूल का अपने पता बताना है और सात नंबर बताना है, बावर्ची खाना से क्या मुराद है। ये छोटे छोटे सवाल जो आप लोगों ने बताने थे, ये मेरे पास ओरल असेसमेंट उर्दू की ग्रेड वन के लिए, स्कूल बेस्ड असेसमेंट ओरल असेसमेंट इस्लामियात ग्रेड वन के लिए 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। ये ओरल असेसमेंट है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन इंतजाजी सवाल में से कोई से चार जुज पूछे और हर सही जवाब के पांच नंबर दे। आपके सामने एक जुज आ जाता है कि रब्बी जिदनी के बाद आता है, तो ये इल्म आता है। कोई भी अच्छी चीज़ देखकर हमें कहना चाहिए माशाल्लाह कहना चाहिए। नमाज पढ़ने की जगह को कहते हैं मस्जिद। अहले मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक कहते थे सच्चाई की वजह से।
कुल सुल्दा वहद आयत मुबारक है सूरत अल-इख़लास की। मतजा ज़ैल खाली जगह पूर करने के सवाल में से कोई से चार जुज पूछे और सही जवाब के पाँच नंबर थे। या अपने के पास पाँच पाँच पार्ट आ रहे हैं, आपने इनमें से कोई से चार के सही जवाब देने हैं। अबे इकराम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के भेजे हुए हैं खास बंदे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अब ये आ जाएगा। अजान देने वाले को मौज़न कहते हैं। नमाज पढ़ने से पहले वजू ज़रूरी है। हमें अल्लाह की तमाम नियमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। तो में से मुख्य सवाल में से कोई से चार, हर एक के आपके पास पाँच पाँच क्वेश्चन, आपने कोई से चार चार बताने हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक किस खानदान से था, तो ये आपके पास आंसर लिखा हुआ है कि उनका जो ताल्लुक है वो हाशमी खानदान से था। हम एक दिन में कितनी फ़र्ज नमाज अदा करते हैं, हम एक दिन में पाँच फ़र्ज नमाज अदा करते हैं। खातमुन नबीयीन कहाँ पैदा हुए, हज़रत सल्लम खातमुन नबीयीन मक्का मुकरमा में पैदा हुए। हम सबको किसने पैदा किया, हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया। कफ़ार अपनी अमानत किसके पास रखते थे, हज़रत सल्लम के पास रखते थे। नेक्स्ट अपने कालम में लाने हैं तो कालाओं के सामने मिले हुए हैं, आप लोगों ने इनकी स्क्रीन शॉट लेनी है, आप लोगों ने इनको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट नंबर फाइव है, क्वेश्चन नंबर फाइव के अंदर भी आपने कालम मिलाने हैं तो ये कालम आपके सामने मौजूद है, आप लोगों ने इनकी स्क्रीनशॉट लेनी है और आपने इनको तैयार करना है। ये थे मेरे पास ओरल असेसमेंट इस्लामियात ग्रेड वन के लिए। स्कूल बेस्ड असेसमेंट ओरल असेसमेंट जनरल नॉलेज है ग्रेड वन के लिए, 100 नंबर का ये पेपर है। पहला क्वेश्चन, ये दी गई तस्वीर में इंसानी जिस्म का कौन सा अज दिखाया गया है, तो ये सर्कल हुआ है यानी कि ये कान है। सेकेंड वाले का ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है। थर्ड का ऑप्शन नंबर डी और फोर का ऑप्शन नंबर जो ए है वो दुरुस्त जवाब है। मैं जैसे आपके साथ इनके आंसर शेयर कर रहा हूँ। फाइव का ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट आपने बताना है जी कचरा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, ये ट्रू है। शेर एक पालतू जानवर है, फॉल्स है। फूलों की खुशबू नाक की मदद से सूंघते हैं, ये दुरुस्त है। खेल के दौरान अपनी बारी का इंतजार करें, ये भी ठीक है। सड़क पार करते हुए ज़ेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल ना करें, ये गलत है। नेक्स्ट जी आपने मुख्य सवाल बताने हैं, हर सही जवाब के पाँच नंबर हो गए। चार जो उसके आपने बताने हैं, टोटल पाँच हो गए। जहाँ कई खानदान मिलजुल कर रहते हैं हम इसको कहते हैं मोहल्ला। स्कूल में वक्फे के दौरान हम क्या करते हैं, खेलते हैं और लंच करते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें क्या कहना चाहिए, अस्सलाम वालेकुम कहना चाहिए। बीमारियाँ किस तरह फैलती हैं, जरासीमों के जरिए। आपने पसंदीदा पालतू जानवर का नाम बताया, बिल्ली कुत्ता वगैरह। नेक्स्ट आपने बताया जी सूरज शाम के वक्त डैश होता है, क्रूब होता है। बिल्ली डैश पर चलती है, खुश्की पर। किस जगह बस से रुकती है, जिस जगह बस से रुकती है उसे डैश कहते हैं, बस अड्डा। मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए डैश में जाते हैं मस्जिद में। हमें सड़क के डैश तरफ चलना चाहिए, दाएं तरफ चलना चाहिए। नेक्स्ट कालम मिलाने थे अपने, कालम आपके सामने मौजूद है, आप लोग इनकी स्क्रीन शॉट लेने, अपने इनको तैयार कर लेने। ये थे मेरे पास ओरल असेसमेंट जनरल नॉलेज ग्रेड वन के लिए। स्कूल बेस्ड असेसमेंट ओरल असेसमेंट मैथ की ग्रेड वन के लिए आपके सामने आ चुकी हुई है। दरख्त की शाख पर कितने परिंदे बैठे हैं, तो चार परिंदे बैठे हुए हैं। बच्चे कितने बच्चे से खेज रहे हैं, तो ये छह बच्चे खेज रहे हैं। अब मैं जैसे इनके आंसर आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, आप लोग इनको देख लेना है। इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है और नेक्स्ट का भी ऑप्शन नंबर सी ही दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट सेशन नंबर टू कहा जा रहा है कि ये दो नंबर है और ये नंबर काउंट करें तो कितने बनते हैं, ये 24 बनते हैं। यहाँ पे 19 जो है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट का 12 और उसके आगे ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12 इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट सेशन नंबर थ्री कहा जा रहा है सबसे ऊंची चीज़ की निशानदेही करें, तो यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड का ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट सबसे ऊँचा जानवर यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो दुरुस्त है। सबसे लंबी गाड़ी की निशान थी ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त जवाब है और उसके बाद ऑप्शन नंबर ए है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट सेशन नंबर फोर आ जाएगा, आपने सबको जमा करना है और जो जवाब आएगा वो आपने बताना है। अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है, वो नवंबर आता है, वो आपने बताना है। तस्वीर जो दी गई है इसमें टाइम क्या हो गया, 9 बज गया, तो ये भाई ऑप्शन नंबर सी है वो दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट आपने बताना है कौन सी तस्वीर में गेंद डब्बे के ऊपर है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो दुरुस्त जवाब है। और नेक्स्ट आपने बताना है कि तस्वीर में दरख्त के नज़दीक कौन है, तो वो लड़का खड़ा है। नेक्स्ट नंबर फाइव है अपने कालम में लाने हैं, तो आपने इनकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है और अपने इनको तैयार कर लेना है। ये एग है, ये एप्पल है, ये जून है, ये मनी है और ये अंदर है, ये आप लोगों ने तैयार कर लेना है। ये थे मेरे पास ओरल असेसमेंट मैथ की ग्रेड वन के लिए। स्कूल बेस्ड असेसमेंट एथिक्स की ग्रेड वन के लिए ओरल असेसमेंट है। सबसे पहला, ये मसीही लोग इबादत करते हैं चर्च में, हिंदुओं की मुकदस किताब है, इसका ऑप्शन नंबर ए बहुत गीता है, इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट का ऑप्शन नंबर बी, उसके आगे ऑप्शन नंबर ए और फिर ऑप्शन नंबर जो सी है वो दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर टू में अपने खाली जगह पूर करनी है, तो पहले में आ जाएगा इज्जत, फिर आ जाएगा मंदर और फिर आ जाएगा अरबी। फोर में आ जाएगा बहिराल कलजम और फिर आ जाएगा 2000। दुरुस्त जो गलत का आपने दिखाव करना है, पहला गलत है, फिर दुरुस्त, फिर गलत है और फिर दो जोर से वो दुरुस्त हो गए। नेक्स्ट जी मंत्र मुख्य सवाल में से कोई से चार जवाब पूछे और हर सही जवाब के पाँच नंबर थे।
मजहब हमें क्या सिखाता है, ये जो आप लिखा हुआ है मजहब हमें अच्छी जिंदगी गुजारने के तौर तरीके सिखाता है। यहूदियों की मुकदस किताब कौन सी है, तो वो है जी तनाख। मुसलमानों की मुकदस किताब कौन सी है, वो है कुरान मजीद। तलीम के इंसानी जिंदगी पर दो असरात बयान करें, तलीम इंसान को अदब सिखाती है, तलीम इंसान के अखलाक और करदार पर अच्छा असर डालती है। कोई सी दो अखलाकी इकदार बयान करें, ईमानदारी का मुजाहरा करना और दूसरों के काम आना। नेक्स्ट आपने कालम मिलाने हैं, तो ये कालम आपके सामने मिल चुके हुए हैं, आप लोगों ने इनकी स्क्रीनशॉट लेनी है और आपने इनको तैयार करना है। ये थे मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट एथिक्स ग्रेड वन ओरल असेसमेंट। इस वीडियो के अंदर हमने ग्रेड वन की तमाम ओरल असेसमेंट की बुक्स को देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।